अस्सलामुअलैकुम। इंसान इस दुनिया में खुशी तो हासिल करना चाहता है, उसकी हरदम कोशिश होती है कि उसे कोई तकलीफ ना हो, और इंसान के हर काम के पीछे उसकी आसानी यानी खुशी हासिल करने की कोशिश छुपी होती है। इसलिए आज हम आपको 10 ऐसे काम बताने जा रहे हैं जो बिल्कुल नहीं करने चाहिए अगर आप खुश रहना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 10, बाहर से खुश ना हो बल्कि आप अपने अंदर से खुश रहना सीखें। ये काम बहुत मुश्किल है क्योंकि कोई भी जाहिरी चीज इंसान को जल्दी खुश करती है, मसलन पैसा आना, शादी होना, जॉब लगना या जॉब में प्रमोशन होना और ऐसी ही बहुत सारी चीजें। लेकिन असल खुशी ये है कि इंसान अपनी सोच से, अपने दिल से और अपनी नीयत से खुश और सेटिस्फाइड हो। नंबर 9, जिंदगी में सब कुछ हासिल करने की कोशिश ना करें। बाज़ दफा हमारे दिल में लालच आ जाता है और हम बहुत ज्यादा बेसुकूनी का शिकार हो जाते हैं। जिंदगी में हमेशा एक चीज के बारे में तय करें और उसी पर अपना फोकस रखें और तमाम तर कामयाबियां और खुशियां वहीं से हासिल करने की कोशिश करें। इंसान जिंदगी में बहुत कुछ कर सकता है लेकिन सब कुछ नहीं। नंबर 8, खुश रहने के लिए जरूरी है कि आप जल्दबाजी और बेसब्री का मुजाहिरा ना करें। जल्दबाजी करने से इंसान ज़हनी इंतशार में मुब्तला होता है और इत्मीनान और सुकून से काम करते वक्त इंसान चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझता है और अपने काम को बहुत एंजॉय भी करता है। नंबर 7, अपने आप को एक जगह कैद ना रखें। फोकस करने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी जिंदगी की दूसरी जरूरियात को भूल जाएं। पुरफिजा मकान पर चलना फिरना या थोड़ी बहुत दौड़ लगाना आपके जहन को बहुत ताजगी बख्शता है और ये आपकी खुशी के लिए भी बहुत जरूरी है। नंबर 6, बगैर मकसद की जिंदगी ना गुजारें। यानी जिंदगी में एक बड़ा मकसद रखें कि मैंने ये मुकाम हासिल करना है और आप उसके लिए मेहनत करें और फिर नतीजे अल्लाह पर छोड़ दें। अपने मकसद को ढूंढने का आसान तरीका ये है कि आप अपनी सलाहियतें और अपनी दिलचस्पी को देखें और इन दोनों के इम्तिजाज से अपनी जिंदगी का मकसद तय करें। नंबर 5, गुनाहों से बचें, जैसे झूठ, गीबत, बदनजरी और इसके अलावा जो भी गुनाह है। अल्लाह ताला की नाफरमानी करके इंसान को कभी खुशी नहीं मिल सकती। कुरान मजीद में है कि अगर इंसान बड़े गुनाहों से बचता है तो अल्लाह ताला उसके छोटे गुनाह वैसे ही माफ कर देते हैं। नंबर 4, खुशी के लिए जरूरी है कि आप बुरे और बद जहन लोगों से दूर रहें। जो लोग आपके साथ अच्छा सलूक नहीं करते वो आपकी खुशी के सबसे बड़े दुश्मन है। अच्छे लोगों के साथ ताल्लुक रखें जिनके साथ रहकर आप इजी फील करते हों। नंबर 3, बाज दफा हम अपनी जिंदगी का दूसरों की जिंदगी से मवाजना करना शुरू कर देते हैं। ऐसा किसी भी वजह से हो सकता है। खुश रहने के लिए जरूरी है कि आप दूसरों की जिंदगी पर हसद का जज्बा रखते हुए नजर ना रखें और अपनी जिंदगी पर तवज्जो दें। अल्लाह ताला की जो नेमतें आपके पास हैं उनका शुक्र अदा करें। नंबर 2, जिसकी जिंदगी में पैसे की अहमियत सबसे ज्यादा हो जाती है उसकी जिंदगी से असल खुशी चली जाती है। पैसे की गिनती कभी मुकम्मल नहीं होती, लिहाजा अगर आपकी खुशी पैसों से जुड़ी होगी तो आपकी खुशी भी मुकम्मल नहीं होगी। पैसा जिंदगी के लिए जरूरी है लेकिन पैसे की मोहब्बत जिंदगी के लिए कतई जरूरी नहीं है, इसीलिए पैसे को सबसे ज्यादा अहमियत ना दें। नंबर 1, खुश रहना चाहते हैं तो लोगों से ज्यादा उम्मीदें और तवक्कुआत ना रखें। और अगर आप किसी पर भरोसा करते हैं और वो आपका भरोसा तोड़ता है तो मायूस ना हो, क्योंकि आज का दौर नफसा नफसी का दौर है। अपनी मेहनत और अपने ईमान ही से आपको सबसे ज्यादा उम्मीदें और तवक्कुआत होनी चाहिए। यानी कोई साथ दे तो उसका भी शुक्रिया और कोई ना दे तो उसका भी शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह ताला हम सबको खुशियाँ दे। आमीन।